What's up everyone? Welcome back to the channel. हम लोग depreciation complete कर चुके हैं. अब आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक वो chapter जो बहुत 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 important है class 11th के लिए. class 12th में भी आप तभी अच्छा कर पाओगे जब आपको ये आता होगा. chapter का नाम है financial statements. बहुत problems बच्चों को इसमें आती है, but तुम्हारे भाई का काम है तुम्हारी problem sort करना, और वो हम करेंगे ही करेंगे. तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं financial statements और इस chapter को आसान तरीके से समझते हैं. चलिए let's begin. तो हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म्स. तो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म्स हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म्स वो फर्म्स होती हैं जिसमें एक इंडिविजुअल ओनर होता है, अकेला मालिक होता है, वही सब कुछ मैनेज करता है, वही पैसा लगाता है, वही प्रॉफिट लेके जाता है. तो सोल प्रोप्राइटरशिप की स्टेटमेंट्स हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है. अब जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपके पास दो प्रकार के चैप्टर आते हैं. एक आता है बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फुल फॉर्म लिख लेना, और एक आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स. तो दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, और एडजस्टमेंट्स के साथ समझने से पहले विदाउट एडजस्टमेंट सीखना ज़रूरी है. तो हम लोग आज जो सीखने वाले हैं वो है हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट एडजस्टमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और वो भी बिना एडजस्टमेंट्स के हम लोग सीखने वाले हैं. तो क्या है हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? देखो, कोई भी कंपनी हो, कोई भी पार्टनरशिप फर्म हो, कोई भी एनपीओ हो, कोई भी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म हो, किसी भी तरीके का बिजनेस हो, सबको कम से कम ये तो पता ही होना चाहिए ना कि वो कितना कमा रहे हैं. सबको कम से कम ये तो पता होना चाहिए कितने लोगों से पैसा लेना है, कितने लोगों को पैसा देना है. सबको कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि प्रॉफिट में है या लॉस में है. तो ये सब चेक करने के लिए हमारे पास जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है. अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमारे पास मेनली क्या क्या आता है जब हम सोल प्रोप्राइटर की बात करते हैं. सोल प्रोप्राइटर मतलब सिंगल ओनर की बात करते हैं, ठीक है. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपके पास तीन चीजें आ जाएंगी बेटा जी, जिसमें सबसे पहले हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद हम लोग बोलते हैं बैलेंस शीट. नोट साथ साथ बना के चलना, तभी मजा आएगा. तो तीन चीजें आपको बनानी होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में. सबसे पहला ट्रेडिंग, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस, तीसरा बैलेंस शीट. बैलेंस शीट याद रखेंगे, बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है, ये हमारा है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन. बैलेंस शीट में हम सिर्फ फाइनेंशियल पोजिशन देखते हैं, और ये जो दोनों हैं ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दोनों अकाउंट्स हैं. सबसे पहले तो यही अपने माइंड में रखना, बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं होता. बैलेंस शीट में कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होता, कोई लेफ्ट साइड राइट साइड नहीं होता. बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जो फाइनेंशियल पोजीशन दिखाएगा. ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपके पास है ये अकाउंट्स शोइंग प्रॉफिटेबिलिटी कि आप प्रॉफिट्स में हो या नहीं हो. तो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए अगर आपको कोई चीज चेक करनी है तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखोगे. अगर आपको फाइनेंशियल पोजीशन देखनी है यानी वेल्थ देखनी है तो उसके लिए आप बैलेंस शीट चेक करोगे, ठीक है. इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको नोट करके चलो. अब शुरुआत करेंगे हम लोग वन ऑन वन. वन ऑन वन के साथ जब हम शुरुआत करेंगे तो लेट स्टार्ट विथ ट्रेडिंग अकाउंट कि हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है. व्हाट इज एक्चुअली ट्रेडिंग अकाउंट? तो देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर वो स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चरिंग में है यानी वो कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करते हैं, उनकी फैक्ट्री है, वो सामान बनाते हैं, तो उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक ट्रेडिंग अकाउंट. अगर कोई ऐसा इंसान है जो बस सर्विस प्रोवाइडर है या वो खरीद के ला रहा है और फिर बेच रहा है, तो उसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट में कोई बहुत सारी चीजें नहीं आती हैं. तो ट्रेडिंग अकाउंट मेनली कंसर्न रखता है ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, ज्यादातर इस तरीके के खर्चे जिनकी फैक्ट्रीज हैं, जो प्रोडक्शन कर रही हैं, उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बट बनता सभी के लिए है, ठीक है. अब जब मैं ट्रेडिंग अकाउंट की बात करता हूं तो ट्रेडिंग अकाउंट का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है जो आपको दिया गया होता है, बट स्पेसिफिक फॉर्मेट को भी समझ के चलो तो आपको चीजें बहुत बहुत आसान हो जाएंगी, ठीक है जी. तो ट्रेडिंग अकाउंट किस तरीके से बनाया जाएगा?
लेट्स स्टार्ट. ट्रेडिंग अकाउंट में हमारे पास पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट. हम लोग जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो वी ऑलवेज स्टार्ट विद ओपनिंग स्टॉक. सबसे पहले मैं लिखूंगा टू ओपनिंग स्टॉक. व्हाट इज ओपनिंग स्टॉक? साल के शुरू में आपके पास जितना भी स्टॉक है, इनिशियली साल के शुरू में, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में आपके पास जो भी स्टॉक है उसको हम ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं. तो इनिशियली सबसे पहले क्या होगा हमारे पास? ओपनिंग स्टॉक. ठीक है, फिर आपने जो भी सामान खरीदा उसको भी यही लिखते हैं, टू परचेजेस. परचेजेस इनर कॉलम में लिखना. सर परचेजेस को इनर कॉलम में क्यों रखते हैं? बेटा आप जितना भी सामान खरीदोगे सारा तो नहीं रखोगे ना कुछ वापस भी करोगे, तो जो वापस हो गया फिर वो माल मेरी बुक्स में नहीं आना चाहिए. तो क्या करना है? परचेज माइनस परचेज रिटर्न. यहां से परचेज रिटर्न माइनस हो जाती है तो बाहर आपके पास नेट परचेजेस आ जाती है. ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक, फिर आपके पास परचेज आ गया. उसके बाद आप यहां पे कुछ खर्चे लिखते हो. जितने भी खर्चे हमारे फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं इसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं. इसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस. अब बहुत बड़ी लिस्ट है बट आप लोगों को पूरी लिस्ट नहीं तैयार करनी है, मैं तुम लोगों को हिंट बता दूंगा. बस हिंट पकड़ना और चैप्टर तैयार हो जाएगा. तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या हिंट पकड़नी है? चार चीजें पकड़ के चलना. क्या वो खर्चा फैक्ट्री का तो नहीं है? जैसे फ्यूल, गैस, पावर, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री रेंट, क्या वो फैक्ट्री से रिलेटेड कोई खर्चा तो नहीं है? उसके बाद क्या वो खर्चा प्रोडक्शन का तो नहीं है? प्रोडक्शन एक्सपेंसेस. ठीक है, क्या वो खर्चा कोई प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इस तरीके का खर्चा तो नहीं है? इसके बाद क्या वो खर्चा परचेज से रिलेटेड तो नहीं है? कहीं ऐसा लिखा हो एक्सपेंसेस ऑन परचेज या इस तरीके का कुछ भी लिखा हो, है ना, कमीशन ऑन परचेजेस, परचेजेस से रिलेटेड कोई भी चीज. और उसके बाद अगर किसी खर्चे के साथ इनवर्ड लिखा है, इनवर्ड का मतलब जैसे कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, इस तरीके से इनवर्ड वर्ड यूज हुआ है, तो उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलेंगे. तो ऐसे तो ट्रेडिंग अकाउंट का मैं आपको फॉर्मेट दिखाऊंगा, बहुत बड़ा है, बट फॉर्मेट को तुम्हें पूरा लर्न नहीं करना. चार चीजें पकड़ लो, क्या वो खर्चा फैक्ट्री का, प्रोडक्शन का, परचेज का, इनवर्ड, ये चार शब्द आपको मिलने चाहिए, वहां से तुम पूरा ट्रेडिंग अकाउंट बना लोगे. ठीक है, फिर क्रेडिट में क्या आएगा? क्रेडिट में आप सबसे पहले लिखना सेल्स, वो भी इनर कॉलम में. सर क्यों? क्योंकि जो माल बिका सामने से भी तो वापस आ सकता है. इसमें से माइनस करूंगा सेल्स रिटर्न, नेट सेल्स बाहर. जो बाहर वैल्यू होती है ना बेटा जी, इसको हम नेट बोलते हैं, नेट सेल्स. सिमिलरली ये जो बाहर वैल्यू आई ना, ये इसको क्या बोलूंगा? नेट परचेजेस. तो आपसे कोई पूछे कि नेट परचेजेस क्या है, तो वो है परचेज माइनस परचेज रिटर्न. नेट सेल्स क्या है? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न. ठीक है, उसके बाद यहां पे आएगा आपके पास क्लोजिंग स्टॉक. यहां आ जाएगा आपके पास क्लोजिंग स्टॉक. सही है, तो सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, सही. ये क्रेडिट साइड में लिखना है, ये पैसा आया है, ये बचा हुआ माल है, इधर सब खर्चे हैं, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस. फिर आप क्या करोगे? आप इस वाली साइड का टोटल करोगे और ये सब माइनस करोगे, तो आपके पास यहां पे एक बैलेंस निकल के आएगा. इस बैलेंस को हम लोग बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट. इस बैलेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इस बैलेंस को बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट. अगर ये बैलेंस इधर आ रहा हुआ, या तो इधर आएगा, है ना भाई, वो वाली साइड ज्यादा होगी. अगर सपोज इधर आपका 1 लाख है दोनों को मिला के, इधर 50,000 है, तो ये 50 आएगा ना, तो या तो इधर आएगा. लेकिन अगर इधर 1 लाख हुआ, इधर 50 हुआ, तो बैलेंस इधर आ जाएगा. अगर इधर आ गया तो उसको क्या बोलना है? बाय ग्रॉस लॉस. तो इन दोनों में से हमेशा एक ही आएगा, या बैलेंस इधर आएगा या बैलेंस इधर आएगा. अगर बैलेंस इधर आया तो वो ग्रॉस प्रॉफिट है, अगर बैलेंस इधर आया तो वो ग्रॉस लॉस है. जल्दी से इस फॉर्मेट को नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो. अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. अब कुछ फॉर्मूलाज हैं बिफोर वी प्रोसीड टुवर्ड्स क्वेश्चंस जो यूज हो सकते हैं. तो कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले आपको कुछ फॉर्मूलाज नोट करने हैं जो आपको काम आएंगे इस चैप्टर में. ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला आपको पता है नेट परचेजेस, जो मैं आपको पहले लिखवा चुका हूं, परचेज
माइनस परचेज रिटर्न्स, दूसरा फॉर्मूला नेट सेल्स, दैट इज सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। उसके बाद एक तीसरा फॉर्मूला होता है हमारे पास जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दिस इज सावधान इंडिया सवाल, वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो हम माल बेच रहे हैं, जो माल बिका है उसका खर्चा कितना है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द माल विच इज सोल्ड। ठीक है, तो कॉस्ट क्या है गुड्स की जो आपने बेची है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये फॉर्मूला है, इसको याद रखेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला है। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 पे एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का और फॉर्मूला है, COGS लिख रहा हूं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसकी फुल फॉर्म है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक फॉर्मूला और है, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। आप सेल्स में से जीपी माइनस कर दो तो भी आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, मतलब COGS आ जाता है। पांचवें नंबर पे अगर मुझे ग्रॉस प्रॉफिट निकालना हो तो ग्रॉस प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला हो गया, नेट सेल्स माइनस COGS, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दो तो जीपी आ जाता है। तो हमारे पास ये पांच फॉर्मूलाज हैं जो काफी यूज होंगे आपके फर्दर क्वेश्चंस में। एक सिक्स फॉर्मूला और, एडजस्टेड परचेजेस, कई बार आपको एग्जाम में ना एडजस्टेड परचेजेस दे के रखेगा, तो एडजस्टेड परचेजेस क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये सब फॉर्मूलाज एक जगह लिख के रखना, प्लस क्वेश्चन करने से पहले ना एक छोटा सा 4-5 लाइन या 10 लाइन छोड़ देना, मैं उसमें आपको कुछ फॉर्मूलाज और लिखवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। एक दो फॉर्मूलाज हैं, ज्यादा फॉर्मूलाज नहीं है। तो मेरे पास मेनली ये फॉर्मूलाज हैं जो आपके यहां पे यूज होते हैं, नेट परचेजेस परचेज माइनस परचेज रिटर्न, नेट सेल्स सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, COGS ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स माइनस जीपी। ये हमारे पास फॉर्मूलाज हैं। अब देखो इसका पर्पस दिखाता हूं तुम लोगों को। मैंने आपको क्या बोला, अगर आप ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करो तो ये COGS होता है। तो ये अब मैं अगर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इसको ले लूं तो ये मेरे पास COGS है। इस पूरे को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं। ठीक है, अब सपोज आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,00,000 रुपए आया, तो आप क्या करोगे, देखो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो यानी कि ये चार चीजें यूज हो चुकी हैं और इसका वैल्यू मैंने यहां पे लिख दिया 2 COGS और ये आ गया 1,00,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,00,000 आ गया और सेल्स है आपकी 20,000, सपोज सेल्स है आपकी 20,000, तो देखो माल बिका 20,000 का, खर्चा 1,00,000 का, तो 80,000 का लॉस आ रहा है नहीं आ रहा है, तो देखो यहां पे लॉस आ जाएगा 80,000। और सपोज सेल होती 1,20,000, 1,20,000, 120 की सेल, खर्चा आया 1,00,000 का, तो 20,000 का प्रॉफिट आया नहीं आया, वो यहां आ जाता अपने आप। इसीलिए क्या लिखा था, सेल्स माइनस COGS इज ग्रॉस प्रॉफिट लिखा था। ये देखो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज ग्रॉस प्रॉफिट। सिमिलरली अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना हो तो सेल्स में से जीपी हटा दो। भाई माल में से प्रॉफिट हटा दूं तो कॉस्ट आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, माल जितने का बिका उसमें से खर्चा हटा दूं तो प्रॉफिट आ जाता है, सीधी सीधी सी बात है ना। देखो ये सेल है जितने का माल बिका, इसमें से प्रॉफिट हटा दूं तो खर्चा आ गया, और अगर माल जितने का बिका उसमें से खर्चा हटा दूं तो प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट को क्या बोलते हैं हम, ग्रॉस प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को क्या बोलते हैं हम, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है जी, अब हम डायरेक्टली एक ट्रेडिंग के क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर अगली क्लास में मैं आपको फॉर्मूलाज कराऊंगा और P&L का फॉर्मेट कराऊंगा। ओके, तो आओ जल्दी से अब ट्रेडिंग के क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो अब कुछ इस तरीके का आपके पास क्वेश्चन आता है कि आप ट्रेडिंग अकाउंट बना के दिखाओ। ऑल्दो मैं आप लोगों को अगली क्लास में पूरा फॉर्मेट दिखाऊंगा ट्रेडिंग का कि डिटेल में कौन कौन सी चीजें कैसे आती हैं, बट एक क्वेश्चन वैसे ही हम लोग कि हमें समझ में आता है नहीं आता है तो ट्राई करके देखते हैं। तो देखो हमारे पास सबसे पहले मैं फॉर्मेट बना लेता हूँ और क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। तो हमने बनाया जी एक ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट में आप सबसे पहले ना पर्टिकुलर अमाउंट तो तुम लोग लिख लोगे मुझे पता है। स्टार्ट करना ओपनिंग स्टॉक के साथ, हमेशा सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक टू परचेज बाय सेल्स और बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये चार चीजें यही की यही रहेंगी, आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते, तो इनको तो सबसे पहले लिख लेना आप लोग, ठीक है। उसके बाद खर्चे देख लेंगे कैसे कैसे कौन कौन से हैं। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक 2 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख, ओपनिंग 2, क्लोजिंग 3, ओपनिंग स्टॉक 2 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख, दिस इज डन, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, उसके बाद परचेजेस 10 लाख, सेल्स 25 लाख, 10 लाख और 25 लाख, परचेजेस 10 लाख, इनर में क्यों लिख रहा हूँ आपको मुझे यहीं पे वीडियो पॉज करके बताना है, सेल्स 25 लाख, मैंने इन्हें डायरेक्टली दोनों को बाहर क्यों नहीं लिखा, पॉज करो और कमेंट करो बताओ जरा क्यों नहीं लिखा, देखता हूँ कितना को समझ आया। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ से अभी परचेज रिटर्न माइनस होंगी अगर कोई हुई तो, यहाँ से सेल्स रिटर्न माइनस होंगी अगर कोई हुई तो। चलो अब आगे चलते हैं, अब हमने क्या क्या कर लिया, ओपनिंग स्टॉक कर लिया, परचेज कर लिया, सेल्स कर लिया, अब मुझे खर्चे लिखने। खर्चे मैंने आपको क्या बताया, 4 शब्द, फैक्ट्री, इनवर्ड, प्रोडक्शन, परचेज। अब देखो जैसे लिखा हुआ है फ्रेट, फ्रेट क्या होता है कि जब मैं रॉ मटेरियल मंगा रहा हूँ या कोई भी सामान मंगा रहा हूँ तो उस पर मुझे भाड़ा देना है, भाड़ा देना पड़ेगा ना, सामान आएगा तो रिक्शा का पैसा तो देना पड़ेगा, तो इसको हम कैरेज, इसको हम फ्रेट बोलते हैं। तो जो फ्रेट है वो आपका एक फैक्ट्री से रिलेटेड, सामान खरीदने से रिलेटेड खर्चा हो गया, तो ये यूज होगा, 32,500 का फ्रेट, 32,500 का फ्रेट, टू फ्रेट 32,500, ये आपका फ्रेट आ गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखो वेजेस, वेजेस और सैलरीज, ये दो शब्दों पे बहुत कंफ्यूजन होता है। वेजेस कब दी जाती हैं, जब आप कोई फिजिकल लेबर करते हो, और सैलरी कब मिलती है, जब आप मेंटली दिमाग से काम करते हो। अगर मैं किसी स्कूल में पढ़ा रहा हूँ तो मुझे वेजेस नहीं सैलरी मिलेंगी, लेकिन अगर मैं डेली लेबर हूँ, मेरा थोड़ा फिजिकल वर्क है, तो वहाँ पे मुझे वेजेस मिलेंगी। तो वेजेस फैक्ट्री से रिलेटेड हुआ ना, हो गया ना फैक्ट्री से रिलेटेड, तो वेजेस भी आएगा 150 का वेजेस। उसके बाद लिखा हुआ है फैक्ट्री की लाइटिंग, ये भी आ जाएगा। कोल गैस वाटर, ये भी फैक्ट्री में यूज होगा, भाई प्रोडक्शन कर रहा हूँ ना ऑफिस में, कोल गैस का क्या काम है, फैक्ट्री में ही वेजेस लगेंगी, फैक्ट्री की ही लाइटिंग है, फैक्ट्री की ही कोल गैस वाटर है, तो तीनों खर्चे आने चाहिए। चलो जी, वेजेस, लाइटिंग और कोल गैस वाटर, टू वेजेस, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, टू फैक्ट्री लाइटिंग, टू कोल गैस वाटर, कितना कितना है, 150, 54, 11, ठीक है जी। उसके बाद क्या दिया है और कौन से खर्चे हैं, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न आ गया ना, परचेज रिटर्न 60, सेल्स रिटर्न 1 लाख, परचेज रिटर्न 60,000 और ये आ गया 1 लाख, तो 25 माइनस 1, 24 लाख की तो आपकी सेल्स आ गई, यहाँ पे 9,40,000 की आपकी नेट परचेजेस आ गई, ठीक है जी। और क्या क्या दिया हुआ है हमें, कैरेज ऑन परचेज, देखो परचेज का खर्चा लिखा हुआ है ना, परचेज का खर्चा, परचेज से रिलेटेड आइटम अपने नोट्स में चेक करो, आएगी ना इसमें परचेज। कैरेज ऑन सेल्स, ये सेल्स का खर्चा है, क्या उन चार चीजों में मैंने सेल्स लिखवाया था, खर्चों में, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में मैंने कोई सेल्स का खर्चा लिखवाया था, नहीं, मैंने परचेज का खर्चा, फैक्ट्री का खर्चा, इनवर्ड प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे, सेल्स का खर्चा कोई नहीं, सेल्स तो आएगी, सेल्स पे होने वाले खर्चे नहीं आएंगे, तो इसको हम इग्नोर करेंगे, हम कैरेज ऑन परचेज लिखेंगे मेनली। हमारा परचेज रिटर्न हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया, उसके बाद कैरेज ऑन परचेज हो गया हमारा 40,000, कैरेज ऑन परचेज आ गया हमारा 40,000, ठीक है। टू कैरेज
ऑन परचेज 40,000. देन नेक्स्ट वी हैव कैरेज ऑन सेल, इसको हम इग्नोर करेंगे. फैक्ट्री का रेंट और ऑफिस का रेंट. अब देखो दो रेंट है, फैक्ट्री का खर्चा तो आएगा लेकिन ऑफिस का खर्चा नहीं आएगा, तो हम सिर्फ फैक्ट्री रेंट लेंगे 220,500. फैक्ट्री का रेंट है हमारे पास 220,500, ऑफिस रेंट इग्नोर कर देंगे 220,500. अब देखो आपके लिए इजी हो गया ना, बस मैंने आपको चार चीजें बताई हैं, उनसे रिलेटेड कोई भी खर्चा है तो लिखना है, उनसे रिलेटेड नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे, जस्ट इग्नोर कर देंगे. हो गया हमारा काम, पूरा अकाउंट बन गया. अब देखते हैं कि प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है. 24 और 3, 27 लाख तो इधर का टोटल बैठ गया. 27 लाख में से ये सब खर्चे हटा देते हैं. 27 लाख माइनस 2 लाख माइनस 9,40,000 माइनस 32,500 माइनस 1,50,000 माइनस 54,000 माइनस 11,000 माइनस 40,000 माइनस 2,20,500. तो हमारे पास 10,52,000 का इधर बैलेंस आ रहा है, और जब भी बैलेंस इधर आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, टू ग्रॉस प्रॉफिट. जब भी बैलेंस इधर आए तो उसको बोलना है ग्रॉस प्रॉफिट, और ये हमारे पास टोटल हो गया 27 लाख. ठीक है, ये जो सारे हैं फ्रेट वेजेस, देखो ये सारे, इन सभी को हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं. अब मैं अगर आपको लिस्ट, जैसे नेक्स्ट क्लास में आपको लिस्ट दिखाऊंगा तो बहुत सारे होते हैं, बट याद क्यों करना है यार, चार हिंट पकड़ लो, हिंट से हम समझ लेंगे फटाफट, और प्रैक्टिस है. तो इस तरीके से बेटा जी ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, इधर बैलेंस आता तो ग्रॉस लॉस, और हम इसी तरीके से अब और चीजें पकड़ेंगे और कमांड बनाएंगे इस चैप्टर पे. तो आज का जो काम है उसको अच्छे से रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, एक क्वेश्चन जो दिया है ये वाला दोबारा खुद से बना के देखो, और इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, हम उसको सॉल्व करेंगे. तो मिलता हूं मैं नेक्स्ट क्लास में, उम्मीद है आपको आज की चीज समझ आ गई होगी. बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, अगले क्लास में इसको बिल्कुल परफेक्ट और स्ट्रांग बनाएंगे. थैंक यू सो मच एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, टिल देन कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग.